Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. और इस तरीके से हमें मौका मिलता है कुछ पढ़ने का, कुछ लिखने का। तो अभी हम आज मुझे सेवा का अवसर मिला है भगवान कृष्ण का स्मरण अध्याय 2 भागवतम, श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 अध्याय 2 का। वो बहुत अच्छा है ये, इसमें पूरी कृष्ण लीला आएगी और उसके आगे भी जो अगला है वो भी कृष्ण लीला से ही है, वृंदावन से बाहर की लीला है। तो अभी हम हमारे पास इसमें 34 श्लोक है, इस पर हम चर्चा करेंगे ना। ओम अज्ञानति मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयां ददाति। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षात्तं सहगणमनोहरं सदि साद्वैतं सावधूतं भजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानीलकंठ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश भानुसुते देवी प्रणवामि हरिप्रिय वाछाकल्पतरुभ्यश्चित्वासिद्धिदेवचित्तानां पावने व्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय विप्रेश्वरे भक्ति वेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषरी पाश्चात देश कारण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत वेदांत श्रीवासदि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, मुझे सेवा का अवसर दिया। इसमें टोटल 34 श्लोक है, है ना, और ये शुद्धे गोस्वामी महाराज परिषद को बता रहे हैं। पहले श्लोक में हमें पता चलता है कि शुद्धे गोस्वामी महाराज परिषद को बताते हैं यहाँ पर। तो श्लोक संख्या 1 में विदुर जी कृष्ण के बारे में पूछते हैं और श्लोक संख्या 2 से 6 तक केवल उद्धव जी भाव में थे, कुछ नहीं बोलते हैं, केवल वो भाव में रहते हैं भगवान के, इतनी सेवा की थी ये वो, जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और श्लोक संख्या 7 से 34 तक प्लस उसे आगे के जो चालू होगा, जो कल स्टार्ट होगा, उसमें भी ये भगवान की लीलाएं चलती रहेंगी। तो हम 1 से लेकर 34 तक में आज ये इसका रिविजन करते हैं। वैसे तो सारा हो चुका है लेकिन एक बार फिर भी रिविजन के लिए यहाँ का जो नियम है वो अच्छा है, इससे पूरा स्मरण हो आता है। तो भगवान कृष्ण का स्मरण अध्याय 2 स्कंद 3 श्री शुक का वाचा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विहलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। तो जैसा कि हमें पता है कि दुर्योधन द्वारा विदुर जी को घर से निकाल दिया गया था, महल से निकाल दिया गया था, तो केवल वो अपनी सांस से ही निकले थे और कुछ भी लेके नहीं निकले, जो उनकी सांस चल रही थी केवल उसी के साथ निकले थे, वहां से कुछ भी लेके नहीं निकले थे। और उनको अच्छा मौका मिला कि ठीक है यहाँ से हमें धिकारा गया तो हम कम से कम भगवान के तीर्थ स्थानों का तो करेंगे। जो भगवान का भक्त होता है ना उनको यही मौका मिलता है कि अगर वहां से धक्का जाते हैं तो वो सीधे भगवान की शरण में जाते हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते, जब उनको माया किक करती है तो वो और ज्यादा नशे वाली आदतों में जाते हैं और ज्यादा जहाँ उनको मतलब अपने आप को भुलाने की कोशिश करते हैं। वो भक्त होते हैं जो भगवान की भक्ति में, भगवान की लीलाओं में अपने आप को भुला देते हैं पुरानी यादों को। और ये वाले लोग जो होते हैं जो भगवान के भक्त नहीं होते, उनको जब माया भौतिक जगत में सताती है तो वो जब वो वहां से जाते हैं या उनको निकाला जाता है तो वो किसी गलत आदतों में ही जाते हैं। ये हम थोड़ा छोटे छोटे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं।
उनको मौका मिला कि हम वो पूरे तीर्थ यात्रा तीर्थ सारे करने लगे, और इस जब वो तीर्थ कर रहे थे तो पीछे युद्ध भी हुए, सब कुछ हुआ, सारे उनके पुत्र मारे भी गए और राजा महाराज युधिष्ठिर बन गए चक्रवर्ती सम्राट। और जब वो धीरे धीरे चलने लगे, जब तो उनको जब चल रहे थे पहले तो उनको दूसरे दूसरे ध्वज दिखते थे जहां जहां का जो राज्य था, लेकिन जब वो धीरे धीरे तीर्थ करते रहे तो एक समय ऐसा आया कि उनको हर जगह पर महाराज परिषद के ही ध्वज दिखने लगे। तो वो इस चीज का उनको संकेत मिल रहा था कि सब कुछ वहां पर हो चुका है और उनके बंधु परिजन सब मारे जा चुके हैं और महाराज युधिष्ठिर अब वहां पे राजा बन गए हैं। तो ये उसके बाद की ये घटना है जब वो वहां पर महान उद्धव से मिलते हैं और उद्धव से भगवान के लिए बताते हैं कि हमें बताओ आप भगवान कृष्ण के बारे में। और जब कृष्ण के बारे में बताते हैं तो कम से कम 4-5 श्लोक तक वो भाव में रहते हैं। क्या भाव में रहते हैं हम देखते हैं। वे अपने जो उद्धव जी थे ना, वो बचपन से ही 5 वर्ष के थे तो ही भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा के लिए करने के लिए बुलाती तो भी वे कलेवा नहीं करना चाहते थे। जैसे कि आजकल के बच्चे खेलने में इतने मगन हो जाते हैं, खेलने वाले बच्चे भी समझ लो कि आज से 10 साल पहले वाले, आज वाले बच्चे तो मोबाइल में मगन हो जाते हैं, है ना, वो नाश्ता करते नहीं है, और आज से 10 साल पहले वाले बच्चे बाहर खेलने में मगन हो जाते थे, है ना। लेकिन उससे भी पहले वाले, जब 5000 साल पहले की जब बात थी, तो वो भगवान की सेवा में लीन हो जाते थे। तो वो कृष्ण की सेवा में इतने लीन होते, उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती थे, वो कलेवा भी नहीं करना चाहते थे। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया तो तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तो यहाँ पर चिलपवा जी, इस तात्पर्य जब हम पढ़ेंगे और हमने पहले पढ़ा तो उसमें पता चलता है कि सेवा से निवृत्ति होती है कब, जब हमारा शरीर धीरे धीरे वृद्ध होता जाता है, लेकिन आत्मा का भी वृद्ध नहीं होती है। तो आत्मा का है कि भगवान कृष्ण से संबंध बनाना, संबंध उनकी सेवा का, तो सेवा कभी भी शिथिल नहीं होती बल्कि वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बल्कि देखो, हमारे यहाँ पे लिमिटेशन है कि हमारा शरीर है 100 साल तक, तो हम 100 साल तक ही कुछ कर पाएंगे, लेकिन आत्मा की तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं। आत्मा तो अनंत है, अनंत का मतलब उनका काल का कुछ है नहीं कि वो इतने समय तक ही जिएगा, वो तो सदा शाश्वत है। वो तो उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, वो भी शाश्वत रहती है ना। तो इसीलिए महाराज उसका हमको पता देता है कि उद्धव जी उन चीजों में वापस आ गए, जबकि वो वृद्ध हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनकी जो आत्मा थी जवान थी। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि जितने भी हमारे इस्कॉन के गुरु वृंद हैं, खास करके परम पूज्य जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज, वो इतने शरीर से वृद्ध भी हैं और शरीर से इतनी बीमारी भी है, तो भी उनके अंदर वो उत्साह जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने एक बार कहा भी था अपने उसमें कि केवल मैं शरीर से वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा आज भी, मैं अंदर से आज भी बहुत ज्यादा क्रोश है, और उसके बावजूद भी आज वो इतनी सारी सेवाएं करते रहते हैं। और इसी तरह इस्कॉन के जितने भी गुरु हैं जो आज वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वही आज पूरा सेवाएं संभाल के बैठे हैं, है ना। तो हमको हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए अपने गुरुओं का, श्री रूपनाथ जी का। तो इसमें आगे क्या लिखा है, वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए, उनका शरीर हिला डुला तक भी नहीं। वे भक्ति योग में, भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में गहरे उतरते दिखने लगे। और ये सब कौन महसूस कर रहा था, उद्धव जी। और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को, बिल्कुल जैसे ऐसे बता रहे जैसे साक्षात उसको देखते रहे और बताते रहे। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से विक्षोह के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जितनी भी देर में वो भाव में थे, यानी कि भगवान के धाम में थे वो, और मानव तुरंत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया
तथा वे विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोले। उद्धव ने कहा, श्री उद्धव जी ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूं? उद्धव जी कह रहे, क्या संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है? और यहाँ पर भी वही शिल कुमार जी बताएंगे, हम पढ़ते हैं तात्पर्य की एक लाइन को, मैंने हेडलाइन किया है कि शिलप्पा जी यहाँ पे सूर्य के बारे में बताएंगे। सूर्य जब तक रहता है संसार में तब तक अंधकार नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अंधकार ज्यादा हैवी है। तो इसमें ये शिलप्पा जी ने बताया कि जिस तरह जब अमेरिका में सूर्य है तो यानी कि भारत में नहीं है, जब भारत में है तो अमेरिका में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, वो है। और जिस तरीके से प्रभुपाद जी की यहाँ पे बताया, जिस तरीके 24 घंटे में सूर्य एक बार उगता है, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो ब्रह्मा के 24 घंटे में एक बार होती है। जैसे हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 घंटे में सूर्य एक बार आता है ना, और वैसे ही ब्रह्मा जी के 24 घंटे यानी कि एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, यानी कि सूर्य के समान है, एक दिन में एक बार आते हैं। समस्त लोगों समेत ये ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है, यदु कुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती हैं। ये श्लोक बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा श्लोक पाजी ने लिखा है। इसमें लिखा है, समस्त लोगों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है, यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। क्योंकि इसमें बताते हैं श्री रघुपाल जी कि तीन प्रकार के यहाँ पे भक्तों को यहाँ पे बताया, एक तो जो वृंदावन के भक्त हैं, जो भगवान को भगवान के रूप में मानते हैं, कृष्ण को ही सर्व मानते हैं, लेकिन जो यहाँ पे भगवान के यदुगण है, यदुगण है, उन्होंने भगवान को देखा और भगवान को माना, लेकिन उन्होंने भगवान को परमात्मा के रूप में माना। उनको हमेशा ये लगा कि हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं साक्षात वो ही है, लेकिन वो इस ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाए कि ये उस परमात्मा के भी सोर्स हैं, उनसे भी महान है ये, बल्कि परमात्मा जो है वो भगवान कृष्ण की एक के आश्रय में है, भगवान कृष्ण सुप्रीम है, वो इस बात को नहीं समझ पाए। इसीलिए यहाँ पर उद्धव जी उनको भी अभागा बता रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उनको नहीं पहचान पाए। लेकिन उससे भी ऊंचे भक्त हैं, यहाँ पे वृंदावन वासियों का बताया, वृंदावन वासी जो कृष्ण को ही सर्वपूर्ण मानते हैं ना, और उनसे तीसरे अभागे लोग उन्होंने किसको बताया है कि जो बिल्कुल भी नहीं समझ पाए बल्कि कृष्ण से ईर्ष्या करते रहे, है ना। तो वैसे ही जैसे कि अभी यहाँ पे जो 10,000 साल का गोल्डन पीरियड चल रहा है, उस 10,000 साल के गोल्डन पीरियड में शिला प्रपात की शिक्षाएं जो है वो अमृत के समान है, एक अशांत जीवन को शांत करने वाली है, चंचल मन को कंट्रोल करने वाली है ना, नियंत्रित करने वाली है। और उनमें जो सभागे लोग हैं, एक होता है अभागा जिसका भाग्य सही नहीं है, एक होता है सभागा, सभागा हमारे में बोलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑस्पिशियस होता है सभागा। तो इस संसार में अभागे लोग तो हैं जो भगवान के बहुत अभागे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सभागे बहुत कुछ है। आप जैसे भक्त लोग जो यहाँ पे सभागे हैं, जो भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं और भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में मानते हैं, तो वो होते हैं सभागे, है ना। और एक होते हैं अभागे जिसके अंदर भाग्य की विहीनता है, जो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आजकल संसार में समझा जाता है जिसके पास धन है वो भाग्यशाली है, सभागा है, लेकिन अभागे कौन है जिनके पास धन नहीं है? नहीं, शिलाप्रपात की शिक्षाओं से पता चलता है कि जो भगवान कृष्ण को जानता है वो भाग्यशाली है, सभागा है, और जो भगवान कृष्ण से विपरीत है, जिनको पता ही नहीं क्या है, यहाँ तक कि जो परमात्मा रूप में भगवान को जानते हैं, भगवान के भक्त भी हैं लेकिन परमात्मा रूप में भगवान को जानते हैं, और एक इससे नीचे जो भगवान को पर ब्रह्मा के रूप में जानते हैं, वो भी शिलाप्पा जी यहाँ पर उनको अभागा बताते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि शिलाप्पा जी ने हमको कितनी भाग्यशाली वस्तुएं दी हैं जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सके हैं, जो अर्जुन के लिए भी संभव नहीं था 5,000 साल पहले, लेकिन आज हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठते हैं, हम आज सुबह को जल्दी उठते हैं, अपने सारी जो शारीरिक सुख सुविधाओं को त्याग करते हैं, किसके लिए? शिला कुमार जी के लिए। और आज उसी ऐसे लोग भी हैं संसार में जो शिला कुमार जी को नहीं समझ पाते हैं, शिला कुमार जी के प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं,
है ना, तो हमको शीला उपाध्याय जी के प्रति समर्पित होना है, क्योंकि आज भी उनकी लीलाएं हैं। और शीला उपाध्याय जी बोलते हैं कि आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगा अपनी पुस्तकों के माध्यम से, है ना। शीला प्रभुपाद जी भी, भगवान श्री कृष्ण भी आज यहाँ से चले गए, लेकिन भागवतम के रूप में आज भी वो यहाँ पर है ना। आज भी उनका प्रकाश पूरे संसार को अंधकार से उजाले की तरफ लेके जा रहा है ना। अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, नवा नंबर श्लोक। यदुगण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे, इसलिए भी इससे भी बड़ी बात यह थी कि वे समस्त लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। आगे ना वही बात जो हमने आगे पढ़ी थी कि केवल उसको किस तरीके से समझ पाए, इसका हम थोड़ा सा वेदों में कहा गया है कि परमात्मा को मात्र विद्वता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता, वे केवल उनके द्वारा ज्ञेय हैं जिनसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु भगवान को हरे के हृदय में वास करने वाले परमात्मा के रूप में भी वे यह नहीं समझ पाए कि वे आदि भगवान है ना। हम आगे और पढ़ते हैं, भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत हैं। भगवान के इसमें यह बताया गया है कि भगवान की जो भक्त है ना, जो वो विचलित नहीं होंगे, जो भौतिक मायावादी जो लोग होते हैं, जो माया द्वारा ग्रसित हैं, वो उनको भले कुछ भी बोले कि भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, भगवान परमात्मा के रूप में है, भगवान कृष्ण बिल्कुल साक्षात ये भगवान नहीं है, लेकिन वो जो स्थिर हो चुके हैं, और स्थिर हमको किसने किया है, प्रभुपाद जी ने स्थिर किया है, तो प्रभुपाद जी ने हमको जो स्थिर किया है, तो अब हमारी बुद्धि को कोई भेद नहीं सकता है ना। और इसी के विपरीत भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि हमको समझना पड़ेगा, जो भगवान की भक्ति में लीन है, जो श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं, और वो भगवान कृष्ण में इतने स्थिर हैं कि बाहर की दुनिया उनकी बुद्धि को भेद नहीं पाएगी। और भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो लोग बाहर हैं, ये हमारे लिए संदेश है कि जो लोग बाहर अभी माया भौतिकता में है, उनकी बुद्धि को हमको नहीं भेदना चाहिए, उनको बहुत ही धीरे धीरे अपनी तरफ लेके आना चाहिए, एकदम से उनकी बुद्धि की उनकी श्रद्धा पे प्रहार नहीं करना चाहिए, है ना। जिस तरीके से वो हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं ना हमारी, तो हम भी उनकी श्रद्धा के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमको इस चीज को इम्पोर्टेंट लेकर के आगे समझना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, नित्य स्वरूप, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप देखने में असमर्थ थे। तो यहाँ पर भी वही है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात यहाँ पर थे, लेकिन उनके कर्म या उनकी तपस्या इतनी नहीं थी कि वो भगवान को देख सके। आज भी भगवान को वही व्यक्ति देख सकता है जो तपस्या करता हो, दिव्य तपस्या करता हो, दिव्य तपस्या के कारण आज भी भगवान को देखा जा सकता है, और आज भी शुद्ध भक्त देखते हैं, भगवान की लीलाओं को देखते हैं और समझते हैं। अगला श्लोक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख रखा इसमें इंपॉर्टेंट, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए, वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। वे लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यचकित थी, आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठ पति के रूप में भगवान का स्वरूप ही सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। यहाँ पर हम 2 मिनट या 3 मिनट में श्लोक को समझेंगे, अगर इस श्लोक को हमने नहीं समझा तो हम इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की जो स्वरूप है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मृत्य लोक में प्रकट हुए, यानी कि पृथ्वी पर प्रकट हुए मृत्य लोक में भगवान अंतरंगा शक्ति के द्वारा, वे अपने नित्य रूप में आए, नित्य रूप जो यही भगवान का नित्य रूप है भगवान श्री कृष्ण, और हम उनके दास हैं, यही संवैधानिक स्थिति है। इसके नीचे गिरते ही हमारी संवैधानिक स्थिति खत्म हो जाती है, और भगवान का जो असली रूप है वो भी उसमें से कुछ स्थिति नीचे आ जाती है। जैसा कि हम कई बार पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, वो चारों पांचों प्रकार के जो मोक्ष मिलते हैं
साल लोग या सारूप सबको मना कर देते हैं, जबकि है तो वैकुंठ लोक में ही ना। लेकिन जो वैकुंठ लोक में भगवान से जो नीचे के जो है, जैसे नारायण है इसमें आगे आएगा, जो नारायण है वो भी भगवान के जैसे चार गुणों उसमें नहीं होते, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और हम उनके नित्य दास, यही संवैधानिक स्थिति है। इसके नीचे आते ही हम वैकुंठ लोकों में चल जाएंगे, लेकिन वो भी हमारी संवैधानिक स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद, जैसे अभी हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं पूर्ण तपस्या के कारण, वैसे ही वैकुंठ लोक में जो नारायण के जो भक्त हैं, जो वहां बैठे हैं ऐश्वर्य भाव में, वो अपने ऐश्वर्य को त्याग नहीं सकते हैं और त्याग, और वो उनकी संवैधानिक स्थिति नहीं है, लेकिन वो भगवान उनको अपने उस स्थिति में बिठा के, जैसे आज हमको यहाँ बिठा के बैठे हैं भगवान, ठीक है तुम्हारी इच्छा है बैठे, तो वो भी अपनी इच्छा से ही वहां बैठे हैं, लेकिन वो उनकी संवैधानिक स्थिति नहीं है कि वो भगवान नारायण के भक्त बनकर के वहां सेवा करें। ठीक है, उनकी इच्छा थी कि हमको भगवान के ऐश्वर्य के रूप में चाहिए, तो भगवान ने अपना एक नारायण रूप निकाला, ऐश्वर्य डाला और उनकी सेवा वहां पे चल रही है, लेकिन वो संवैधानिक स्थिति नहीं है। ये देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वे अपने नित्य रूप में आए, उनकी लीलाएं लीलाओं के लिए उपयुक्त है, ये लीलाओं सबों के लिए आश्चर्य, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का घर है, जिसमें वैकुंठ पति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है, जो भगवान नारायण खुद भी इन लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। बात क्या लीला है जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और उनका इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है, जबकि नारायण भगवान नारायण समस्त आभूषणों से, लेकिन उस नारायण का भी जो आभूषण है असली आभूषण है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोकों से देवता एकत्र हुए, उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर ये विचार किया कि वे मनुष्य के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। तो हम यहाँ पर ये बता रहे कि देवता भी ये देखते थे कि नहीं पहचान पाए कि ये स्वयं भगवान है, वो क्या समझ पाए कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची है उसमें सबसे चरम कौशल पूर्ण सृष्टि है भगवान श्री कृष्ण, तो वो भी धोखे में रहे, वो भी ब्रह्म में रहे, है ना। हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यतीत हो जाती थी, वे अपनी आंखों से उनका पीछा किया करती थी, अतः वे हत बुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू काम काज को नहीं काम। यहाँ पर गोपियों के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब चले जाते थे गांव से तो उनकी आंखें दूर दूर तक उनका पीछा किया करती थी, है ना, और लास्ट में उनको जब नहीं मिलते तो हाथ होकर के घर पे बैठ जाती थी और घर का काम भी पूरी तरीके से नहीं किया करती थी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कभी कभी हमारे जीवन में कोई चिंताएं आ जाती है या कोई ऐसा हो जाता है तो हमसे घर का काम भी अच्छे से नहीं होता और हमारा मन सारा रहता है, ये जस्ट इसके विपरीत बताया यहाँ पर कि वो बिल्कुल भगवान कृष्ण के ध्यान में रहती थी और हम किसी और के ध्यान में रहकर भी घर का काम नहीं कर पाते थे। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है, तो वे मह तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान कब जन्म लेते हैं, कब मतलब उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, जब यहाँ इस भौतिक संसार में शांत व्यक्ति जो बिल्कुल शांत होते हैं भगवान के भक्त, शिलाप्पा जी बताते हैं नीचे, और अशांत व्यक्ति जिनके अंदर भौतिक लालसाओं रहती है, तो इन दोनों के बीच में जैसे ही युद्ध होता है तो मह तत्व से बिजली जैसे उत्पन्न होती है, वैसे यहाँ पे बता रखा है शांत के बीच संघर्ष होता है, तो मह तत्व के साथ उसी तरह जन्म जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। हम 10-5 मिनट में इसको और कर लेंगे, 9 बज गए हैं। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए कि किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए, किस तरह अपने माता पिता के संरक्षण से ब्रज में चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वैवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। ये उद्धव जी को पीड़ा पहुंच रही है, इसका हम उदाहरण आगे वाले में लेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी अक्षमता, कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकेट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का ये सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है।
यहाँ पर समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण हम यूं समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कोई माता पिता है, मान लो कोई भक्त नहीं है माता पिता, है ना, या यूं मान लें कि कोई बेटा है घर में भक्त नहीं है लेकिन उनके माता पिता भक्त हैं, तो वो किसी दिन अपने बेटे को, चलो आज हम आपको प्रभु जी के घर प्रोग्राम हो रहा है हम चलते हैं, तो वहाँ वो माता पिता अपने बच्चे को लेके आते हैं और वो माता पिता उस घर में थोड़ी सेवा में नियोजित हो जाते हैं, माताओं ने सबने पूरी बनाना चालू कर दी, वो जो उनकी मम्मी आई थी उनकी माताजी आई थी, पिताजी ने थोड़ा सा क्लीनिंग करना चालू कर दिया, ऐसा कर दिया, पिताजी जो बच्चा होगा वो सोचेगा कि मतलब वो नेगे, माता पिता को तो पता है कि ये मेरी, मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे आगे, लेकिन बच्चे को तो पता नहीं है कि सेवा क्या होती है, भगवान क्या होता है, भक्तिक समाज क्या होता है, तो सोचेंगे ये किस प्रकार के लोग हैं, देखो मेरे मम्मी पापा हैं उनका सेवा तो कर नहीं रहे बल्कि उनसे सेवा ले रहे हैं, है ना, तो वो उनसे उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक इसके विपरीत उद्धव जी को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भगवान कृष्ण सुप्रीम होने के कारण ये ऐसे क्या कर रहे हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं गुरुसेन के आगे, उन आगे जाके पता चलेगा गुरुसेन के भी आगे हाथ जोड़ते हैं, महाराज बताओ हमारे लिए क्या आदेश है। तो इस तरीके से हमने उसको उल्टा देखा, इस संसार में जैसे कोई बच्चा है वो किसी घर पे जाके सेवा करे, क्लीनिंग की सेवा करे किसी मंदिर में, या तो उनको लगेगा कि नहीं मेरा बेटा इसके लिए थोड़ी बना है, मेरा बेटा तो किसी सरकारी ऑफिसर बनने के लिए बना है, इसके लिए बना है, उसके लिए बना है, यहाँ क्या ये छोटी मोटी सेवाओं में लगा पड़ा है, तो उसके हृदय को पीड़ा पहुंचेगी, उसके माता पिता के हृदय को। तो वैसे यहाँ पर उद्धव जी को पीड़ा पहुंच रही है भगवान की इन लीलाओं को देखते हुए, भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे बुला सके, कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे जब युद्ध हुआ था, उसके लिए बता रहे हैं अपन। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं, भला उनके विच्छोह को कौन सहन कर सकता है। निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से शुद्ध बनने और आंखों को अति मनभावन करने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत्ता प्राप्त किया। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो अर्जुन के जो जितने बाण थे वो सामने वाले जिसमें पड़ रहे थे और भगवान स्वयं उनके सामने थे, तो सामने वाले को शुद्ध करते गए, है ना। भगवान श्री कृष्ण समस्त त्रियों के स्वामी हैं और समस्त प्रकार के सौभाग्य की उपलब्धि के द्वारा स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च है और वे सृष्टि के नित्य लोक वालों द्वारा पूजित है, जो अपने करोड़ों मुकुटों द्वारा उनके पावों का स्पर्श करके उन्हें पूजा की सामग्री अर्पित करते हैं। तो यहाँ पे तीन सृष्टियां बताई गई हैं, त्रयों के स्वामी मतलब यहाँ पे बताए गए, छठ ऐश्वर्य भी यहाँ पे प्रभुपाद ने वर्णन किया है, तीनों पुरुष यानी कि कर्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शीरोदक्षय विष्णु, तीनों लोक और प्रकृति के जो तीनों गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उन सबों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवकगण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचा, अतएव हे विदुर, अभी उद्धव जी बोल रहे हैं, अतएव हे विदुर, क्या उनके सेवकगण हम लोगों को पीड़ा नहीं पहुंचती जब हम स्मरण करते हैं कि भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर आसीन राजा उग्रसेन के समक्ष खड़े होकर, हे प्रभु आपको विदित होगा, यह कहते हुए सारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते थे, है ना। मतलब किसी को पता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल साफ है फिर भी अपने आप को साफ करने की कोशिश करवा रहा है, तो दूसरे जो उसके अनुयायी हो गए उनको पीड़ा पहुंचती है, अरे ऐसा क्या, ओह भला मैं, जैसे कि अभी राम मंदिर का है, अभी राम मंदिर हमको पता है, भक्तों को पता है कि राम जन्मभूमि है, लेकिन लोगों को कोर्ट में जाकर के दलील देना पड़ेगी भगवान श्री रामचंद्र का ये है, शास्त्रों में यहाँ उल्लेख है, यहाँ उल्लेख है, ऐसा उल्लेख है, उसके बावजूद भी सरकार को समय लेना पड़ा कि हम और सोचेंगे, तो हृदय में पीड़ा पहुंचती है कि जो सत्य है उसको भी समझने के लिए समय लग रहा है ना। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण में कैसे ग्रहण करूंगा जिन्होंने उस असुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। अब उनको ये भी याद आ रहा है, उद्धव जी को क्या याद आ रहा है कि उनको पूतना का भी याद आ गया, देखो पूतना उनको मारने आई उनको भी उन्होंने माता का पद दिया, यद्यपि वे कृतघ्न थी और अपने स्तन से पिलाए जाने के कारण घातक विष याद दे रहा हूं। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे हुए सभी युद्ध करते हुए भगवान को
ताक्ष कश्यप के पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रा युद्ध लिए देख सकते हैं। यहाँ पे शिलप्पा जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वह 2400 घंटे भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको डाउट रहता है क्या पता हम भगवान के धाम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो उनको लगता है कि वाह ये जो असुर हैं कितने अच्छे हैं, भगवान उनको स्वयं अंत में अपने हाथों से मार रहे हैं। तो केवल भक्तों का भाव ऐसा है प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन वो तो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, वो तो उनके लिए तो भगवान का धाम खुला ही खुला है, हमेशा के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। लेकिन भक्त ऐसा सोचता है कि क्या पता मैंने अंत में भगवान को नहीं याद कर पाया, तो फिर वो कंपेयर करता है उन असुरों को जो लास्ट में भगवान के हाथों से मारे जाते हैं और भगवान उनके समक्ष होते हैं, तो वो देखता है कि हमसे अच्छे तो ये हैं और हमने लास्ट में नहीं याद कर पाया, तो ये केवल सोच होती है। लेकिन भगवान कृष्ण के भक्त जो होते हैं 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते हैं, उनके लिए भगवान धाम के दरवाजे खुले रहते हैं। पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को भोज के राजा के बंदी गृह में वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। ब्रह्मा अब वो बता रहे हैं कि कैसे भगवान आए जब ब्रह्मा जी ने याचना की। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर उनके पिता नंद महाराज के चारागाहों में ले आए, जब वे अपने बड़े भाई बलदेव सहित ढकी हुई अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। अब बता कि वहां से नंद महाराज उन्हें वहां ले आए, नंद महाराज के चारागाहों में ले गए, कौन वसुदेव, और वहां पर बलराम की उसमें रहे हो। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे, इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार किया करते थे। इस पर हमने चर्चा की थी कि वहां पर हर समय सेव भी रहते हैं, भगवान जहाँ है वहाँ पूर्णता रहती है। भगवान ने ग्वाल बालों के गायों को चराना सिखाया, तो हमें भी ये बताया कि आप भी गायों के प्रति प्रेम करो, और हमने गायों के लिए बहुत सारा हमने देखा भी था, और भगवान ने ये भी बताया था कि आसक्ति हमें नहीं करनी चाहिए, तो भगवान के अंदर भी किसी की प्रति आसक्ति नहीं है, इसलिए वो भगवान है। भगवान जो बोलते हैं वो होते हैं, भगवान की वाणी में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते कभी हंसते, और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। अत्यंत सुंदर गायों बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति की आघात भगवान अपनी वंशी बजाया करते, इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने ग्वाल बालों जो शुद्ध भक्त हैं उनको बंसी बजा के उनको प्रसन्न किया करते थे। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था, जो कैसा भी रूप धारण करते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौने को तोड़ डालता है। यहाँ पर भी बताया गया है कि मामा उनको खिलौने बेचते थे, लेकिन तरीके तरीके के खिलौने बेचते थे, जादूगर बड़े बड़े जादूगर बेचते थे, उन जादूगरों को भी वो सफाया किस तरह क्या करते थे, उनके लिए एक बाएं हाथ का खेल था, उनको बिल्कुल तोड़ दिया करते थे, बिल्कुल खत्म कर दिया करते थे। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया था और उसे दूर खदेड़ दिया, फिर भी नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कालिया नाग के बारे में बताया जा रहा है। कालिया को मारा और कालिया के ऊपर उन्होंने डांस भी किया, और यहाँ पे यही बताया जाता है कि एक अच्छे से अच्छा जो डांसर होता है उसको भी एक स्टेज अच्छा चाहिए होता है। स्टेज सबसे पहले वो आके चेक करता है कि स्टेज सही होगा तो ही हम डांस करेंगे, बिल्कुल स्टेज प्लेन होना चाहिए। और ये स्टेज कैसा था हम देखते हैं कि एक सांप का फन ऊपर था, एक ने उस पर उन्होंने नटराज की तरह डांस किया। और मेरे को याद आ रहा है कि एक बार मैं जब दामोदर देश में था तो उसमें महाराज ने अंग्रेजी में प्रवचन दे रहे थे और रसाश्रय बहुत समझा रहे थे हिंदी में, तो बता रहे कि महाराज जब भगवान श्री कृष्ण जब एक एक फन के ऊपर पैर रख रहे थे अपना, तो और फनों के अंदर मणि थे, जो मणियों में से आभा निकल रही थी, तो आभा निकल रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे छोटे पांव थे ना वो लाल हो रहे थे, बिल्कुल लाल की तरह दिख रहे थे।
तो अभी कभी भी हम अपने जो मोबाइल की जो फ्लैश लाइट होती है उसको चालू करना, और छोटा बच्चा हो, हमारे तो बच्चे हाथ बड़े हुए हैं अभी, छोटे बच्चे के एक स्क्रीन पे लगाना तो दूसरी तरफ लाल लाल दिखेगा, एक तरफ से लगाओगे दूसरी तरफ से लाल लाल, नाखूनों की तरफ से आप देखोगे लाल लाल सा बिल्कुल लगेगा। तो भगवान महाराज बता रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण से जब उनके ऊपर डांस कर रहे थे तो उनके जो आभा निकल रहे थे मणियों में से, तो भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे छोटे गोरे गोरे पांव थे, है ना, सांवले सांवले पांव थे, बिल्कुल लाल लाल की तरह दिख रहे थे। तो यहाँ से हमको ये भी लीला देखने को मिलती है, भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली शक्ति का, आर्थिक शक्ति का उपयोग गुरुओं की पूजा के लिए करना चाहते थे। तो यहाँ पे भी हमको यही संदेश देना चाहते हैं भगवान कृष्ण कि अपनी जो आर्थिक शक्ति है वो भक्तों में, गायों में, वृंदावन धाम में, भगवान की सेवा में लगाना है हमें, किसी देवी देवता में नहीं लगाना है हमें। और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ाना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चारागाह तथा गोओं की पूजाएं की। तो यहाँ पर कल जैसे ये मेरा प्रश्न भी था कि अहंकार आ जाता है, तो उन्होंने ये भी बताया था कि इंद्र के लिए भी अगर इंद्र को अहंकार आ गया था तो इंद्र का भी अहंकार कम करने के लिए, और यहाँ पर ब्रजवासी को ये बताने के लिए कि हमारे लिए जो गिरिराज जी है इनकी पूजा करना है। तो दोनों उन्होंने सेवाएं की भगवान, ऐसा नहीं है कि इंद्र के प्रति वो पक्षपात कर रहे थे, नहीं, जहां जहां गर्व आ गया वहां उनको कम करने के लिए। पिछली बार हमने वो स्टोरी भी देखी थी हनुमान जी की, सत्यभामा की और गरुड़ की, तो उनका भी अहंकार कम करने के लिए। भगवान हमेशा भक्तों के अंदर उनको अहंकार पसंद नहीं है भगवान को, और जैसे ही अहंकार आएगा तो हम गिरेंगे, और गिरने के लिए फिर भगवान को लीला रस्ते हैं, फिर हमको देखता है कि हमको कष्ट हो रहा है, फिर आगे जाके पता चलता है कष्ट नहीं है, ये तो एक ऑपरेशन था भगवान के द्वारा चलाया गया। अब हम लास्ट, हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गोवों की भूमि व्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन से उन्हें संकट से उभार लिया। और जब उन्होंने मूसलाधार वर्षा की तो भगवान ने उसको बिल्कुल वैसे उठा लिया जैसे कोई छाता होता है, छाते के नीचे हम सब आ जाते हैं, तो उसी तरीके से भगवान ने अपना गोवर्धन पर्वत उठाया और वो सब भक्त लोग नीचे आ गए, उनकी रक्षा की, उनके संकट से उभारा। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकर्षित करके उनके साथ विहार किया। ये लास्ट में हमने कल पढ़ा था, अच्युत गोपाल प्रभु जी ने बताया कि जब पहले के समय में जब लड़कियों को इतना आजादी नहीं होती थी बाहर निकलने की, लेकिन वो भगवान कृष्ण की सुन करके बांसुरी और रात को निकल जाती थी, और उसके बाद उन्हें पता नहीं था कि अब घर वाले उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं भी करेंगे, है ना, तो वो वहां पे चल जाती हैं सब कुछ बिना कर करके, और जब उनको भगवान उनके अंदर भी जब अहंकार आता तो भगवान वहां से भी अप्रकट हो जाते हैं। ये सारी हमने लीला चर्चा की, और इस तरीके से ये दूसरे अध्याय का सारवंश हमने थोड़ा सा यहाँ पर दिया है। अब कल भी यही होगा, उद्धव जी कल भी बोलेंगे वृंदावन से बाहर की लीलाएं रखेंगे, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं तो कृपया मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि के अनुसार जो भी मैंने समझा, जो मैंने सुना था मैंने शेयर किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। बहुत अच्छे से आपने पूरा समराइज किया, और एक एक जो है पूरा ये हम लोग ने इसीलिए रखा है ये समराइजेशन, ताकि हम लोग कभी कुछ मिस हो जाता है, कभी कुछ स्किप हो जाता है, और दूसरा अगर हम लोग सारा अटेंड भी करें, हम कलयुग के जीव हैं, हम लोग का मेमोरी बहुत कम है, हम लोग भूल जाते हैं। ये समराइजेशन हम लोग को एक मौका देता है फिर से उसको रिफ्रेश करने का, और अगला अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, तो ये किस संदर्भ में है वो हम लोग को पता चल जाता है। तो इसके लिए ये एक प्रयास है हम लोग अच्छे से अध्ययन कर सके इसके लिए। और थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छे से आपने इसको समराइज किया। एक्चुअली ये समराइजेशन है, इसके लिए हम लोगों ने कोई स्पीकर नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगा हो या कोई मतलब इस चैप्टर में कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, उद्धव जी का कोई क्वालिटी अच्छा लगा हो या किसी का भी, तो यू कैन टेक दैट
जस्ट बिफोर दैट मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना था, जैसे कि हमने देखा कि जो जैसे प्रभु जी ने कहा कि वैकुंठ धाम है और गोलोक धाम है, तो नो डाउट गोलोक धाम है, सबसे टॉप मोस्ट है, लेकिन सबका अपना अपना रस है। कुछ लोग वैकुंठ भाव में ही जो है भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और जैसे हम देखते हैं कि जो मुरारी गुप्ता जी थे या चैतन्य गौर लीला में या हनुमान जी हैं, वो मतलब वो ऐश्वर्य लीला में ही जो है भगवान की आराधना करना चाहते हैं। तो सबका अपना अपना एक रस है, जैसे हम लोग देखते हैं शांत रस, दास के रस, पाक्य रस, तो ये हम लोगों में इनबिल्ट है। हम लोग को इसको आर्टिफिशियली, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग इस कौन से जुड़े हैं तो हम लोग अभी माधुर्य भाव में आ जाएंगे या साख्य भाव में आ जाएंगे। वी ऑलरेडी हैव दैट ट्रांसेंडेंटल मेलो, जो भी रस है हमारा ऑलरेडी है, हम लोग खाली भक्ति करके हम लोग इसको रिवाइव कर रहे हैं, हम लोग जो है याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का रस क्या है, क्या भाव है भगवान की तरफ। और जितना हम लोग का हृदय शुद्ध होते जाएगा, वी विल अंडरस्टैंड कि मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप क्या है। तो हम लोग जो है अच्छे से भक्ति करें ताकि हमारा जो स्वरूप क्या है, हमारा रस क्या है भगवान की तरफ, वो हम लोगों को फिर से जो है हम लोगों को अपने गुरु के माध्यम से हम लोगों को वो फिर से क्या बोलते हैं प्रकाशित हो जाता। तो यही एक पॉइंट मैं ऐड यहाँ पे करना चाह रहा था। हरे कृष्णा। या और कोई किसी का कोई शंका टिप्पणी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद विशंबर प्रभु जी इसको समराइज करने के लिए। कल से हम लोग जो है अगला अध्याय शुरू करेंगे, तीसरा अध्याय, और कल रामरूप प्रभु जी हैं हमारे साथ। तो सभी से रिक्वेस्ट है जितनी ज़्यादा मात्रा में आप लोग उपस्थित हो सके आप लोग उपस्थित रहिएगा। हरे कृष्णा। तो नरसिंह आपके लेते हैं। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।